أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear students, Assalamu alaikum. It is the second portion of your poem Patriot into Traitor. In the first portion, the political leader has introduced his reputation as a leader. He tells the story of his life indeed in this poem. Bete, ye hamari is nazam ka dusra hissa hai, Patriot into Traitor. Ye अब ये अगला हिस्सा जो है वो हम क्लास में अभी हमने डिस्कस करना शुरू नहीं किया था, लिहाजा अब हम इसको तफसील से यहाँ देखेंगे. बेटे, इस दूसरे हिस्से के अंदर जो है एक सियासी लीडर जो है वो अपनी ज़िंदगी की कहानी तो सुना ही रहा है. देखें, पहले उसने रिमिनिसेंस की शक्ल में, माजी की याद की शक्ल में हमें पहले जो है वो अपनी वो खूबसूरत माजी की यादें हमसे शेयर की हैं पहले तीन स्टैंजाज में, जिसमें वो हमें बता रहा है कि भाई कैसे मैंने जो है वो अब इक्तदार के दिनों में मैंने कैसे जो है वो लोगों की खिदमत करने की कोशिश की और लोग किस तरह से जो थे वो मेरे लिए दीवाने हुए होते थे, मेरे खुशामदीद कहने के लिए लोग किस तरह से जो थे वो बाहर निकलते थे और मुझे खुशामदीद कहते थे. तो ये एक रोज़ी पीरियड ऑफ लाइफ था जो उसने गुजारा. अब इसकी कहानी का दूसरा हिस्सा, दैट इज़ ग्लूमी, डार्क एंड ब्लडी. अब इसकी कहानी का जो दूसरा हिस्सा है वो इंतहाई दुखी कर देने वाला और वही जो ब्लडी सीन है जो हमें तीसरी दुनिया के ममालक में सियासी मंजरनामे में दिखाई देता है, उसका जिक्र जो है वो यहाँ है. लेकिन नज़म का इख्तिताम जो है वो ऑप्टिमिज्म पर है, रजाइयत पर है, एक पुरुमीद पैगाम जो है वो शायर ने हमें आखिर पे दिया है. और ये रॉबर्ट बरोनिंग की शायरी का वैसे भी खसूसियत है उसकी कि वो अपनी नज़मों को हमेशा जो है वो एक पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल नोट पर जो है वो हमेशा ख़त्म करता है. इंट्रोडक्शन. इन द सेकंड पोर्शन ऑफ द पोएम द पॉलिटिकल लीडर टॉक्स अबाउट हिज प्रेजेंट सैड प्लाइट. अपनी जो मौजूदा बदहाली है उसके बारे में हमें बताएगा इस हिस्से में. He has been branded as a traitor and is sentenced to death. Popularity ke baad, ab wo, he has been thrown out of favor, thrown out of authority. No more a popular leader. Therefore, he has been branded and labeled as a traitor and is sentenced to death. Usse maut ki saza di gayi hai. Lehaza usse jo hai wo ab phansi ghat ki taraf le jaya ja raha hai. To uski manzar kashi hai. The people who threw roses in his way a year ago are now throwing stones at him. वही लोग जो एक साल कबल उस पर फूलों की पत्तियां निछावर करते थे, अपनी जान छिड़कते थे, अब वही लोग उस पर पत्थर फेंक रहे हैं. He is being dragged to the gallows. उसे खींच कर ज़बरदस्ती बांध कर जो है वो ले जाया जा रहा है फांसी घाट की तरफ. He finds solace in the benevolence of God. अल्लाह की रहमत के हाँ जो है वो फिर पनाह तलाश करता है, अल्लाह से दरख्वास्त करता है कि मेरे नेक अमाल का मुझे सिला इस दुनिया में तो नहीं मिला, तो आखरत में मुझे इसका सिला मिलेगा. अपनी ये जो साल्वेशन है, सीकिंग साल्वेशन इन द वर्ल्ड हेयर आफ्टर, हेयर आफ्टर आखरत की दुनिया में वो फिर निजात ढूंढने की कोशिश करता है. दिस इज द फोर्थ स्टैंजा माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ द पोएम. फ्रॉम हेयर ऑन इन a very sad scenario will be presented, will be painted by the poet before our eyes. The leader, the political leader, the hero of the past is telling us the story of his present sad situation, sad plight that he is facing. This situation is surely very gloomy, very dark, very sad and bloody indeed. He is going to be hanged. He has been sentenced to death. तो देखते हैं जी टेक्स्ट इसकी चौथे स्टैंजे की प्लीज. There is nobody on the house tops now. अब घरों की छतों पर उसे खुश आमदीद कहने के लिए कोई लोग मौजूद नहीं हैं. वही घरों की छतें जो पहले जो थीं लोगों के मजमे से भरी होती थी, गलियां, बाजार, सड़कें, अब वहाँ कोई एक भी शख्स जो है वो उसे खुश आमदीद कहने के लिए मौजूद नहीं है. Just a palsied few at the windows set, जैसे होता है ना कि वो बीमार लोग जो घरों में बेचारे हिलजुल नहीं सकते, पालसाइड, ये नीचे कुछ लफ्जी मतलब दिए गए हैं, पालसाइड
वो कमज़ोर और बीमार लोग जो बेचारे हिलजुल नहीं सकते हैं, वो महज अपने घरों की खिड़कियां खोलकर जो हैं उनके लिए सारा दिन जो बैठे रहते हैं, मजदूर लोग हैं जो घरों की खिड़कियों से बाहर के नज़ारे करते रहते हैं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, महज वो लोग जो है ना चंद एक घरों पर बीमार और मजबूर लोग महज खिड़कियां खोलकर अब उनके पास देखने को चूँकि और कोई मंज़र नहीं है तो ये एक ही मंज़र उन्हें दिखाई दे रहा है और वो बस खिड़कियों से इसकी बदहाली का नज़ारा कर रहे हैं। फॉर द बेस्ट ऑफ द साइट इज़ ऑल अलाउ, चूँकि अब लोगों को पता है, सारी पब्लिक को, शहर के लोगों को, कि सबसे बेहतरीन मंज़र जो है वो अब क्या है, एट द शैम्बल्स गेट और बेटर येट बाई द वेरी स्कैफोल्ड्स फुट आई ट्रो। ट्रो बेटे कहते हैं मेरा ख्याल है, मैं सोचता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ। ट्रो ये एक पुरानी इंग्लिश में से बल्कि आयरिश लैंग्वेज का लफ्ज़ है ये, जिसके मानी बिलीव करने के, ख्याल करने के, सोचने के हैं। तो अब लोगों ने ये समझ लिया है, फॉर द बेस्ट ऑफ द साइट इज़ ऑल अलाउ। ऑल अलाउ का मतलब ये है कि सब लोगों ने ये तहैया कर लिया है कि अब बेहतरीन मंज़र ये नहीं है कि इस लीडर को गलियों में, बाज़ारों में देखा जाए, अब बेहतरीन नज़ारा है कहाँ, जहाँ इसे फांसी दी जाने वाली है, बाई द वेरी स्कैफोल्ड्स फुट, शैम्बल्स गेट वही गैलोज कहेंगे, फांसी का तख्त, और स्कैफोल्ड्स फुट, स्कैफोल्ड भी वही होता है जिसे हम गैलोज कहते हैं, फांसी का तख्ता, फांसी घाट। तो अब सब लोग जो हैं वो पहले से ही वहाँ जो है वो इसको फांसी चढ़ता हुआ देखने के लिए वहाँ मजमे की शक्ल में, एक ग्राउंड में एक क्राउड जो है वो पहले ही मौजूद है। कुछ लोग जो हैं वो रास्ते में इसको पत्थर ज़रूर मार रहे हैं यकीनन, लेकिन वो भी सब जो हैं वो उसी ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं जहाँ इसे पब्लिकली जो है वो ही इज़ गोइंग टू बी हैंग्ड वेरी सून। तो ये अब देखें मंजर में तब्दीली कैसे आई है, इसे कहते हैं टर्न ऑफ फॉर्चून, ये किस्मत कैसे जो है वो यकदम पॉलिटिक्स में चेंज होती है। एक साल कबल यही शख्स जो था वो ही वाज़ द फेवरेट, द हीरो ऑफ द पीपल, एंड नाउ ही इज़ अ क्रिमिनल, अब वो एक मुजरम है। अब वही काम जो वो अच्छे काम समझ कर करता रहा, पब्लिक सर्विस में करता रहा, अब वही जो है वो उसके लिए फांसी की सज़ा बन गए हैं। अब उसे जो है वो, अब वो पहले लोग इसके देखें मुंतज़र रहते थे इसकी आमद पर, उसे खुशामदीद कहने के लिए क्लैपिंग होती थी, ड्रम बीटिंग होती थी, फ्लैग्स होते थे, बंटिंग्स होती थी, लोग उसके हक में स्लोगन्स रेज करते थे, और अब वही लोग जो हैं उनके लिए अब इस शख्स में कोई दिलचस्पी नहीं रही। क्यों? ही हैज़ बिन थ्रोन आउट ऑफ फेवर, ही इज़ नो, ही हैज़ गॉट नो अथॉरिटी नाउ एट ऑल एज अ पोलिटिकल लीडर, अब लोगों के लिए वो गैर अहम हो गया है, महज एक मुजरम है। तो उसके जुर्मों की सज़ा उसे क्या दी जा रही है, आखिरी सज़ा, इट इज़ ए ब्लडी वन, वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन। तो ये हमारे लिए यहाँ एक सबक भी है कि आप पॉलिटिक्स इज़ श्योरली अ डर्टी गेम, इट टेक्स टर्न्स, इट मे टेक टर्न एनी टाइम, और ये रिवर्सल ऑफ सिचुएशन भी इसे कहते हैं, ये इसमें कुछ पता नहीं चलता है कि व्हेन टाइम चेंजेस सडनली क्विकली एट वंस। तो ये इसके साथ भी यही हुआ है, विद इन द टर्न ऑफ अ सिंगल ईयर ही हैज़ बिन सेंटेंस टू डेथ, कहाँ वो इक्तदार के मज़े और कहाँ अब एक बहसियत मुजरम उसे फांसी दी जा रही है। तो ये अब लोगों के लिए अब बेहतरीन नज़ारा जो है वो वहाँ है फांसी घाट पर, और लोग वहाँ चंद लोग जो हैं, बाकी लोग अब पब्लिक इतना क्राउड नहीं है, चंद लोग जो हैं वो जो देखना चाहते हैं कि इस मुजरम का अंजाम अपनी आँखों से, सिर्फ वो वहाँ जमा हैं, बाकी ये इसकी बदकिस्मती का जो है वो गया एक साल के बाद ही जो है वो आगाज़ हो गया है। तो ये तीसरी दुनिया के ममालक में ऐसे मनाजर जो हैं वो बेटे हमें आम दिखाई देते हैं। तो ये एक तरह से हमारे अपने मुल्कों की एक चश्मकुशा तस्वीर भी है जो शायर हमारे सामने रख रहा है कि ये दुनिया जो है वो कितनी, सियासत की दुनिया जो है वो कितनी नाकाबिले एतबार है, अनरिलायबल है। पॉलिटिक्स इज़ एन अनरिलायबल गेम, गेम ऑफ पावर पॉलिटिक्स, दैट इज़ वेयर नोबडी कैन बिलीव एनी बॉडी एल्स, और वक्त जो है वो कोई भी टर्न ले सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव। डियर स्टूडेंट्स, दीज आर वेरी पथेटिक लाइन्स इन द नेक्स्ट स्टैंजा, हेयर दीज आर वेरी ब्यूटीफुल लाइन्स एज वेल, द पोएट हैज़ वेरी ब्यूटीफुली
कन्वेड द आइडिया ऑफ द सैड प्लाइट ऑफ द पॉलिटिकल लीडर। ये बड़ी शानदार लाइनें हैं बेटे, और बड़ी खूबसूरती से शायर ने मंजर कशी यहाँ बहुत प्यारे अंदाज में की है। अगले दो स्टैंजाज में, नेक्स्ट स्टैंजा में अब वो अपनी सज़ा की तफसील जो है वो हमें बताएगा कि कैसे जो है वो यही लोग जो कल मेरे मेहरबान थे, मुझ पर फूलों की पत्तियाँ निछावर करते थे, मेरे लिए ड्रम बीटिंग स्लोगन्स करते थे, आज जो है वो किस तरह से मुझे जो है वो मुझे सलूक कर रहे हैं। मैं किस कर्ब में से गुज़र रहा हूँ, मैं किस अजाब में से गुज़र रहा हूँ, मरने से पहले मुझ पर किस तरह की सज़ा जो है वो इन्फ्लिक्ट की जा रही है। आई गो इन द रेन एंड मोर देन नीड्स ए रोप कट्स बोथ माई रिस्ट्स बिहाइंड। देखें, इसके दोनों हाथ जो हैं वो पुश्त पर बंधे हुए हैं, हथकड़ियाँ लगी हैं, रस्सी बांधी हुई है, और इसकी वो जो इतनी सख्ती से रस्सी बंधी हुई है कि उसकी दोनों कलाइयाँ जो हैं वो ज़ख्मी हो रही हैं। और मौसम की शिद्दत देखें, एक तो हालात की शिद्दत जो इसके ख़िलाफ़ हो गए हैं, और उसको बांध कर जो है वो ले जाया जा रहा है, हथकड़ियाँ पहना दी गई हैं, पाँव में बीड़ियाँ पहनाई गई हैं। तो मौसम भी देखिए दूसरी तरफ जाए, ये मौसम सियासी भी है और ये मौसम जियोग्राफिकल भी है। मौसम बारिश बरस रही है, और ये भी नहीं कहा जा रहा है कि इतने सख्त मौसम में चलें इसकी फांसी जब पोस्टपोन कर दी जाए। नो, ये देखें, ये इस सख्त मौसम में भी उसको गजीट कर जो है वो बारिश में भी ले जाया जा रहा है, एंड मोर देन नीड्स। और इसकी वही बात है, ये जुर्मों से ज़्यादा उसे जो है वो सजा दी जा रही है। ये गोया ठीक है, उसे लटकाना ज़रूरी है फांसी गार्ड पे, तो ये बारिश के बाद भी हो सकता है, बट टू इन्फ्लिक्ट पनिशमेंट ऑन हिम ही इज़ बीइंग ड्रैग्ड इन दिस हैवी रेनी सीजन। तो बारिश के मौसम में भी उसे जो है वो ज़बरदस्ती ले जाया जा रहा है, और साथ में जुल्म भी किया जा रहा है। ए रोप कट्स बोथ माई रिस्ट सेट बिहाइंड, तो पीछे से ये रस्सी जो है ये अलामत है ये पनिशमेंट की, कैद की, जुल्म सितम की। तो उस पर जुल्म सितम भी ढाए जा रहे हैं, तशद्दुद किया जा रहा है गोया एक तरह से। ही इज़ फेसिंग ब्रूटैलिटी इंडीड एंड आई थिंक बाई द फील माई फोर हेड ब्लीड्स। देखे, इस जुमले में बड़ा दुख है कि मैं महसूस कर रहा हूँ, सोचता हूँ मैं कि मेरा, अब चूँकि हाथ पीछे बंधे हुए हैं, वो हाथ आगे लाकर अपनी पेशानी को हाथ से तो देख नहीं सकता कि खून बह रहा है कि नहीं बह रहा है, तो हाथ से तो महसूस नहीं कर सकता, तो वो सिर्फ सोच रहा है कि बारिश के कतरों के साथ साथ उसकी पेशानी से जो है वो खून भी बह रहा है। क्यों बह रहा है? माई फोर हेड ब्लीड्स फॉर द फ्लिंज हु एवर हैज़ अ माइंड। क्योंकि लोग जो भी एक दो चार गली में खड़े हैं, बाजारों में खड़े हैं, उसका ये नज़ारा कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? दे फ्लिंज, वो फेंक रहे हैं स्टोन्स एट मी, उसे अब पत्थर मार रहे हैं लोग। फॉर माई ईयर्स मिसडीड्स, वो अमाल जो उसने गुड डीड्स समझ कर किए थे लोगों की नज़र में, अब वो मिसडीड्स हो गए हैं, बादामालियाँ हो गई हैं। उसने तो सड़कें, नालियाँ, गलियाँ बनाई थी लोगों के फ़ायदे के लिए, लोग समझ रहे हैं कि नहीं, इसने करप्शन की है इन नालियाँ, गलियाँ, बाजार, सड़कें बनाने में। तो वही जो उसके गुड डीड्स थे, दे हैव बीन टर्नड इनटू मिसडीड्स, नाउ ही हैज़ बीन ब्रांडेड एज अ ट्रेटर। लोग अब इसको जो है वो पत्थर जो है वो उस पर मार रहे हैं, उसको थ्रो कर रहे हैं, एंड ही इज़ फेसिंग ए वेरी वेरी टफ सिचुएशन नाउ। यहाँ मंजर जो है देखे बहुत ग्लूमी है, डार्क है, मर्की है, ब्लड है, ब्लडी है, और शेडोज ऑफ डेथ आर लूमिंग हेयर। ब्राउनिंग ने बहुत खूबसूरती से जो है वो देख, मंजर कशी बहुत प्यारी है और बड़ी खूबसूरती से जो है वो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने जो हमें जो है वो मरकजी ख्याल नज़म का जो है उसको यहाँ जो है वो पेश किया है। कि वो लीडर जो है वो बड़ी दुख के साथ, बड़ी ही अपने पैथेटिक सिचुएशन को जो है वो हमारे सामने उसकी जो है वो मंजर कशी कर रहा है। ये एक डिसअल्यूजनमेंट भी है, चश्म कुशाई भी है, आंखें खोल देने वाला मंजर है, और हमें बताता है, हमारे लिए भी इसमें सबक है कि ये पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। वही लोग जो कल हमारे दोस्त होते हैं, वो आज कल के दोस्त आज के दुश्मन हो जाते हैं। वही दोस्त जो कल
जो थे वो फूलों की पत्तियां निशावर कर रहे थे, आज जो है वो उसके दुश्मन बनकर उस पर पत्थर फेंक रहे हैं। तो nobody is a friend in politics, nobody is a collaborator in politics, nobody is an ally, the true ally in the political world. It is all unreliable. The friends of today may turn into enemies of tomorrow. तो बेटे ये हमारे लिए इसमें सबक है कि यहाँ कोई दोस्ती दुश्मनी मुस्तकिल नहीं होती। जो दुश्मन होते हैं वो दोस्त बन जाते हैं और जो दोस्त होते हैं वो दुश्मन बन जाते हैं। तो द सीन इन पॉलिटिक्स मे टेक टर्न्स एनी टाइम, इट इज़ नॉट रिलायबल, इट इज़ अनरिलायबल, मोस्ट अनट्रस्टवर्दी सिचुएशन इज़ टू बी फाउंड इन द थर्ड वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ये तीसरी दुनिया के मनाजर हैं और तीसरी दुनिया में ऐसे ही होता है। ये मनाजर हमें बाकी दुनिया में भी दिखाई देते हैं, ये कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए जैसे अभी अभी अमेरिकन, आपने वो इलेक्शन जो है वो उसको फॉलो किया है, तो वहाँ जो हारने वाले ट्रंप साहब हैं वो वही एलिगेशंस लगा रहे हैं जो आपकी अपोजिशन यहाँ लगा रही है पीडीएम की शक्ल में कि हमारा इलेक्शन चुरा लिया गया है। तो वो ट्रंप साहब भी यही कह रहे हैं, हालांकि देखिए वहाँ सिस्टम जो है वो हमारे से, चूँकि वो भाई 2-3 सदियाँ जो है वो हमसे ज़्यादा आगे हैं बहसीत एक मुल्क के, तो वहाँ जो सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम जो है, पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट है वो ज़्यादा ठोस और मजबूत है। लेकिन वहाँ भी देखें यही आपको जो है वो सूरत हाल जो है वो दिखाई दे रही है। तो ये दुनिया के तमाम मुल्कों पर ये लागू होता है ऑलमोस्ट, सवाए उन चंद एक मुल्कों के जहाँ वाकई जो है वो 6-7-4 सदियों से जो है वो लोग एक निज़ाम को अपना चुके हैं और उसके साथ अकोमोडेट कर लिया है अपने आप को। अदरवाइज द पॉलिटिकल वर्ल्ड हैज़ गॉट द सेम काइंड ऑफ सिनेरियोज ऑल अराउंड यू इन एशिया, स्पेशली टॉक अबाउट चाइना। देखिए चाइना के अंदर एक वन पार्टी सिस्टम है, nobody else is allowed to speak or utter even a single word against the government. एक पार्टी की रूल है और उसके खिलाफ किसी को बोलने की इजाज़त तक नहीं है, लिखना तो दूर की बात है, nobody can speak. वहाँ आपको पता है जो मौजूदा सदर हैं वो उनके ताहयात सदर हैं और वो ही एक ही पार्टी जो है कम्युनिस्ट पार्टी, उसकी हुकूमत मुस्तकिल तौर पर 50-60 साल से चली आ रही है। एंड इट इज़ द सिंगल पार्टी गवर्नमेंट, नो अदर पार्टी और नो अदर पॉलिटिकल एक्टिविटी इज़ अलाउड इन द कंट्री। तो हर मुल्क का अपना एक निज़ाम है, देखें आप उसको अरिस्टोक्रेसी कह लें कुछ भी कह लें, लेकिन चाइना के अंदर उनका एक अपना निज़ाम है। इसी तरह आप बादशाही निज़ाम देखें, मसलन आपके जो इस्लामी ममालक हैं, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी कंट्री टू होम यू कन्वे द सैक्रेड होलीनेस असाइन करते हैं, जैसे हमारे सऊदीया में है बादशाही निज़ाम है, एक ख़ानदानी हुकूमत है जिसके सामने कोई और पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो अलाउड नहीं है, किसी को इजाज़त नहीं है कि वो शाही ख़ानदान के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी कह सके। तो ये सूरत हाल जो है ये पॉलिटिक्स में आपको, जैसे श्रीलंका की सूरत हाल आपके सामने है, वो बंदरा नायके को मार दिया गया और वहाँ सदर का, वज़ीर आज़म के कई सदर वज़ीर आज़म जो थे वो मौत के घाट उतार दिए गए। इसी तरह आपने इंडिया में देखा उनकी सबसे पॉपुलर जो पर्सनैलिटी थी इंदिरा गांधी, उसका मर्डर हुआ। और ये सिलसिला किसी भी तीसरी दुनिया के मुल्क में आपको साफ दिखाई देता है। आपका अपना मुल्क जो है वो उसकी मिसालें बड़ी ज़ोरदार मिसालें हैं, भुट्टो जैसा मोस्ट पॉपुलर लीडर जो था उसे फांसी का सामना हुआ, मुशर्रफ जैसा ताकतवर हुक्मरान जो था उसे इकतदार छोड़ना पड़ा। तो ये पॉलिटिक्स की दुनिया जो है ये चेंजेस इसमें आती हैं। अभी अभी हाल ही में आपके सामने 3 बार का वज़ीर आज़म मुल्क से मफरूर है, लंदन में बैठा है और मुल्क में अपनी वालदा को दफनाने तक नहीं आ सकता। तो ये पॉलिटिकल टर्न्स हैं, तो ये तीसरी दुनिया में आपको ये आम जो है वो ये मंज़र दिखाई देते हैं। आप किसी भी सफ़े को पलट कर देखें, अफ्रीका में चले जाएँ तो वहाँ सूरत हाल इससे भी बदतर आपको मिलेगी। वहाँ पॉलिटिकल टर्न्स जो हैं वो लम्हा बलम्हा तब्दील होती रहती है सूरत हाल। तो ये एक अजीबोगरीब सी दुनिया है,
ताकत इकतदार के हसूल की दुनिया जिसमें जो है वो कोई असूल और जवाबत नहीं होते। तो ये चीज़ जो है वो हमें इस नज़म के पैगाम के तौर पर जो है वो शायर हम तक जो है वो कन्वे करना चाहता है। ये असल में आई ओपनर के तौर पर हम इस नज़म को लेते हैं कि ये नज़म एक चशम कुशा किस्म की नज़म है जो हमें हमारे सियासी समाजी हालात से जो है वो आशना करती है। डियर स्टूडेंट्स, इन द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम द पोएट कंक्लूड्स द स्टोरी ऑफ दिस पोलिटिकल लीडर फ्रॉम हिज ओन माउथ। इन दिस सोलिलोक्वी और मोनोलॉग द पोलिटिकल लीडर नाउ कंक्लूड्स हिज फेट टेलिंग द डिटेल्स ऑफ हिज पास्ट एंड प्रेजेंट। He now goes to the conclusion. He is being dragged to the gallows to be hanged there. Thus I entered and thus I go. ये अपनी कहानी को उसने एक सेंटेंस में, एक फ्रेज में, एक मिसरे में जो है वो समो दिया है। Thus I entered. इस तरह से मैं पूरी शान और शौकत के साथ सियासत की दुनिया में दाखिल हुआ। एंड दैट्स आई गो। और ये मेरी सियासी ज़िंदगी का इस तरह से इख्तिताम हो रहा है अगर हम इसको सिर्फ पॉलिटिकल व्यू पॉइंट से देखें। दूसरे नुक्ते नज़र से थोड़ा वाइडर करके देखें तो फिर भी ठीक है कि मैंने ज़िंदगी में इतनी कामयाबियाँ सिमटी, इस तरह से शान और शौकत से ज़िंदगी गुजारी और इस तरह से इंतहाई ह्यूमिलिएशन के साथ ब्लडी डेथ का सामना करने जा रहा हूँ, मौत के मुँह में जा रहा हूँ। तो ये दुनिया मैंने इस तरह से, मैंने लोगों की खिदमत की और ये मेरा अंजाम देख लें क्या हो रहा है। दस आई एंटर्ड एंड दस आई गो, इस लाइन में बड़ा कर्ब है और ये एक तरह से बड़ी वो पैथेटिक लाइन है। इन टाइम्स पीपल हैव ड्रॉप डाउन डेड, अभी ये जा रहा है फांसी घाट की तरफ तो सोच रहा है कि, और ये अब पॉजिटिव सोच पर अपनी नज़म का इख्तिताम करेगा। इसे हम जो है वो कहते हैं जब बंदे के पास कोई और सहारा ना रहे। ए मैन सीक्स seeks help from God Almighty in the end. आखिरकार वो लौट कर जो है वो अपने खालिक के हाँ पनाह तलाश करता है। अब उसका कोई दोस्त देखें, सियासी दुनिया में कोई दोस्त नहीं होता जैसे हमने अभी देखा है। तो उसकी ज़िंदगी में जो दुनियावी लोग थे, उसके हमजोली थे, वो सब उसका साथ छोड़ गए हैं। अब उसके पास एक ही सहारा बाकी बचा है। He has got only one help left, chance, and that is the creator. उसका खालक, तो अब वो अपने खालक की पनाह की तलाश में है। और सोच देखिए कैसे, इन ट्राइम्स पीपल हैव ड्रॉप डाउन डेड, ये अपने आप को तसल्ली दे रहा है, कंसोलेशन ऑफ हिमसेल्फ, कि कोई बात नहीं, चलें, जो भी मेरी किस्मत में था, जो मेरे साथ होना था हो गया। ये दुनिया के बड़े लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। इन ट्राइम्स बड़े बड़े लोग जो थे वो दुनिया में कामयाब तरीन लोग जो थे, उन्हें आखिरकार जो है वो नाकामी का सामना करना पड़ा। ड्रॉप डाउन डेड यानी हर अरूज को जवाल आता है। एवरी विक्ट्री हैज टू गो डाउन टू डिफीट एट लास्ट। हर कामयाबी जो है वो कामयाबी ही नहीं रहती हमेशा, वो कभी भी ना कभी इंसान को नाकामी का सामना भी करना पड़ता है। और दुनिया में जितने बड़े लोग थे, अब वो हमें तारीख में जाने के लिए असल में उकसा रहा है कि हम बड़े बड़े लोग जो थे वो उनको जो है वो दुनियावी तौर पर बहुत अरूज मिला, सियासी तौर पर बहुत अरूज मिला, लेकिन आखिरकार उनका अंजाम भी मौत, आखिरकार उन्हें भी जो है वो मौत के घाट उतार दिया गया। बड़े बड़े नाम जो थे नामी ग्रामी, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, और ये जो है वो ऐसे ही होता है। ये दुनिया जो है वो बेसबात दुनिया है और यही बेसबाती जो है वो इसकी खूबसूरती भी है। देखें, ये हिटलर जैसे ताकतवर लोग जो थे वो, उन्हें भी मौत का सामना करना पड़ा। बड़े बड़े इसी तरह से बड़े बड़े दुनिया में सिपा सलार गुजरे, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े हलाकू खान गुजरे, बड़े बड़े चंगेज़ खान जैसे लोग गुजरे जिनसे लोग थरथराते थे, नस्लें थरथराती थी, जो तबाही और बर्बादी का सिंबल थे, लेकिन आखिरकार उन्हें भी जो है वो नाकामी मौत ने हान घेरा। तो ये अपने आप को तसली दे रहा है कि कोई बात नहीं,
ऐसा तो होता है, इट इज़ द वे ऑफ द वर्ल्ड एट लास्ट। तो मुझे जो है वो इस पर कोई पशेमानी नहीं है। पेड बाई द वर्ल्ड वट डज टू दू ओव मी गॉड माइट क्वेश्चन। कहता है, फर्ज कर रहा है अभी ये चूंकि कहानी तो जा रहा है, मरने के बाद तो नहीं ना सुना सकता, अभी जाते जाते रास्ते में फांसी चढ़ने से पहले हमें अपनी जो है वो यादें हमसे शेयर कर रहा है। तो सोचता है कि अल्लाह शायद मुझसे ये सवाल पूछे जब मैं वहाँ जाऊँ, मैं अल्लाह के सामने पेश हूँ, वहाँ मेरा नामा अमाल क़यामत के दिन वहाँ खोला जाए। ज़ाहिर है यहाँ इंसाफ नहीं मिला मुझे, आई हैव नॉट बिन प्रोवाइडेड जस्टिस इन दिस वर्ल्ड बाई द वर्ल्ड इन विच आई लिव्ड। तो आप अगले जहान से जो है वो वहाँ तो ज़ाहिर है अल्लाह ने तो इंसाफ करना है आखरत में, तो वहाँ जो है वो सबसे सवाल जवाब होंगे, मेरा भी नामा अमाल जो है वो अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा, और वहाँ जो है वो शायद अल्लाह जो है मुझसे सवाल करें कि हूँ देखो ना तुमने अल्लाह को बुला दिया था और तुम दुनियादारी में घुस गए, तुमने जो है वो यू फॉरगॉट टू प्रे टू योर लॉर्ड एंड यू जस्ट इंटेंगल्ड योर सेल्फ इन द वर्ल्डली अफेयर्स, और आप देखा दुनिया ने तुम्हें क्या सिला दिया है, अगर तुम अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर अमल करते रहते तो कभी तुम्हारा ये अंजाम ना होता, लेकिन चूंकि तुम अल्लाह के रास्ते को छोड़कर जो है वो दुनियादारी के रास्ते पर चल पड़े, फेवरेटिज्म नेपोटिज्म दिखाते रहे सियासत में भी, तो व्हाट डस्ट दू ओ मी, तो अब तुम जो है चले, मैं चूंकि खालिक हूँ, अल्लाह सवाल कर रहा है याद रखें कि दुनिया ने तो तुम्हें सिला दे दिया, जो भी मुना था तुम्हारे साथ हो गया, तुम्हें फांसी हो गई, व्हाट डस्ट दू ओ मी, अब तुम बताओ कि तुम्हारा मेरे ऊपर क्या कर्जा है, बताओ मुझसे क्या चाहते हो, मैं तुम्हारा खालिक हूँ मालिक हूँ। तो नो इंस्टेड आप बजाए चलें, मेरे जुर्म जो 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 भी थे दुनिया में मुझे उनकी सजा दुनिया ही में मिल गई, तो अब अल्लाह चूंकि रहीम व करीम है, बिनोबिलेंट है, काइंड है, तो वहाँ भी जब मेरे लिए जगह अभी मौजूद है तो वहाँ क्या होगा, इट्स गॉड शैल री पे आई एम सेफर सो। तो अल्लाह मुझसे जब ये सवाल पूछेंगे कि हाँ अभी बताओ बंदा खुदा तुम अब मुझसे क्या चाहते हो, तो मैं यकीनन क्या कहूँगा, वहाँ दरख्वास्त गुजार होऊंगा कि या रब्बुल आलमीन माय लॉर्ड मुझे माफ़ किया जाए, मुझे नजात दी जाए, मुझे मेरी गलतियों कामियों कोताहियों पर जो वो माफ़ी दी जाए, इट्स गॉड शैल रीपे, तो मेरे अमाल नेक अमाल का सिला वहाँ मुझे यकीनन मिलेगा और मेरा पलड़ा भारी हो जाएगा और वहाँ जो है मुझे सालवेशन जो है वो मिल जाएगी, आई एम सेफर सो। इस तरह दुनिया में तो मैं सेफ नहीं हूँ, चलें मेरा जिस्म जो है वो यहाँ से वो फांसी लग जाएगा, आई विल बी डेड फिज़िकली, लेकिन रूहानी तौर पर जो है वो मुझे जो है वो मैं पुरसकून हूँ। अब मेरे दिल में इत्मीनान है कि चलें यहाँ नहीं तो मुझे आखरत में जो है वो मेरा अच्छे अमाल का जो है वो सिला मिलने वाला है, आई विल गेट रिडीम एंड सालवेशन फ्रॉम माई लॉर्ड इन द वर्ल्ड हेयर आफ्टर। तो ये बेटे उसका पैगाम जो है वो देखें आखिर पर जो है वही उसने बड़े एक पुरउम्मीद रजाइत भरे पैगाम पर नज़म का इख्तिताम किया है ऑप्टिमिज्म पर, और ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की शायरी का जो है वो एक खासा है, उसकी तमाम नज़में जो हैं वो ऑलमोस्ट दे आर रिप्लीट विद दिस काइंड ऑफ होपफुल मैसेज। तो बहुत शानदार मैसेज है ये कि, और पैगाम भी है हमारे लिए कि हमें जो है वो किसी भी तरह खा हम इक्तदार में हों या इक्तदार से बाहर हों, हमें अल्लाह के बताए हुए रास्तों को तर्क नहीं करना चाहिए, हमें अपना रिश्ता जो है वो अल्लाह से जोड़े रखना चाहिए, सिर्फ दुनियादारी में अपने आप को इस तरह से आलूदा नहीं करना चाहिए। तो तहम इसके बावजूद कि ये जितने भी उसकी खामियां कमज़ोरियां हैं, तो अल्लाह रहीम व करीम है, तो आखरत में उससे निजात जो है उसने चूँकि वादा कर रखा है ना कि वो अपनी मखलूक से प्यार करता है, तो वह अपनी मखलूक को इस तरह से जो है वो ज़ाहिर है क़यामत के दिन जो है वो सालवेशन रिडीम जो है निजात जो है बख्शिश जिसे आप कहते हैं वो तो यकीनन अल्लाह की तरफ से मिलनी है, बशर्ते कि और भी फिर अच्छी ज़िंदगी हो जाती है मौजूदा ज़िंदगी भी, अगर हम अल्लाह के रास्ते को अपनाए रखें, उसके अहकामात की पाबंदी करें, उसको अहकामात को फॉलो करें। अज़ीज़ तलबा, ये नज़म की रीडिंग जो है वो हमारी मुकम्मल हुई, इंशाल्लाह अगले लेसन में अगले लेक्चर में हम
इस नज़म से मतलब एक्सप्लेनेशन और जो तनकीदी सवाल हैं वो हम देखेंगे। मेहरबानी करके आप अपनी हार्ड कापी जो आपके पास है सवालों की शक्ल में उसे अपने सामने रखिएगा ताकि जो है वो आप सवालों को समझकर याद करने की तरफ आ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन टुडेज लेसन। टिल द नेक्स्ट लेसन इट इज़ गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम माई साइड।